हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उससे पहले मैंने आपके इसी से रिलेटेड टॉपिक शेयर किए हैं, जो कि है थ्योरीज ऑफ टीचिंग। अब देखिए, थ्योरीज ऑफ टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के साथ में मीनिंग ऑफ थ्योरी आपके साथ शेयर किया था, फैक्ट्स ऑफ थ्योरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी आपके लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, नीड ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग आप लोगों के साथ में शेयर किया। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो सभी बच्चों के लिए, स्पेशली जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, CDP पढ़ रहे हैं बच्चे, DLED के बच्चे, BED BLED के बच्चे, UP TET के, TET की तैयारी जो कर रहे हैं, Super TET की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थ्योरीज ऑफ टीचिंग। थ्योरीज ऑफ टीचिंग में मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, मैं आप लोगों के साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग शेयर कर चुकी हूँ, नीड ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग शेयर किया है। आज मैं टाइप्स से स्टार्ट करने वाली हूँ। टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि ये फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग होता है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग होता है, नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग होता है, यानी शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत, शिक्षण के विवरणात्मक सिद्धांत और शिक्षण के नियामक सिद्धांत। तो इन सब के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगी इसको। आज जो मैं आप इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी वो फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग और नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग दोनों के लिए अलग अलग वीडियोज़ में बनाऊंगी, क्योंकि ये लंबे टॉपिक है ये, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इससे, तो आप लोग इसको बस अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं एक वीडियो में एक ही टाइप को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग आज हम पढ़ने वाले हैं, शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत। तो होता क्या है ये शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत? द थ्योरीज विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, सर्टेन मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशंस एंड प्रपोजिशंस आर नोन एज फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग। यानी कि ऐसी थ्योरीज, ऐसे सिद्धांत जो किस पे बेस होते हैं, निश्चित तर्क पे बेस होते हैं, तत्व मीमांसा पे और ज्ञान मीमांसा पे, इन ऐसी मान्यताओं पर जो बेस होते हैं, पूर्व सर्ग पर जो बेस होते हैं, ये सारे जो जितने भी सिद्धांत हैं वो किस में आते हैं, वो इनको हम जानते हैं फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग के नाम से, यानी कि शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत के नाम से। दीज आर द फिलोसफिकल थ्योरीज। ये कौन सी थ्योरीज होती हैं? ये दार्शनिक सिद्धांत होते हैं, ये फिलोसफिकल थ्योरीज होते हैं ये। दिस थ्योरीज रिफ्लेक्ट अपॉन द करंट सोशल प्रैक्टिसेस। यानी कि ये जो थ्योरीज होती हैं किसको रिफ्लेक्ट करती हैं? ये जो आज की करंट हमारी सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, सामाजिक प्रथाएं होती हैं, सामाजिक वर्क जितने भी होते हैं, हमारे सोशल वर्क्स होते हैं, उनको ये क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं। अब देखिए, अब इसमें कितने टाइप्स के होते हैं ये? अब जो हमारी फॉर्मल थ्योरीज होती है वो कितने टाइप्स की होती है? वो 4 टाइप्स की होती है। तो देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कि साइंटिफिक थ्योरी होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, है ना। तो ये सारी थ्योरीज क्या हैं? ये इसी की जो मेन टाइप्स हैं, इसी के अंदर आती हैं थ्योरीज। आप इन सभी थ्योरीज को इसमें डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? इनमें क्लासिफाई कर सकते हैं आप इन तीनों थ्योरीज में, क्योंकि जो मेन थ्योरीज हैं वो 3 टाइप की होती हैं, और इसी के अंदर ये सारे आप टाइप्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी थ्योरी को जान रहे हैं तो क्या है। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी तो क्या है? बिहेवियरल चेंज की थ्योरी है, तो वो किस में आती है? वो भी इन्हीं में आती है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग में आती है वो। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अगर आप कहीं पर सर्च कर रहे हैं तो अलग नाम से थ्योरी आ रही है, क्योंकि थ्योरीज बहुत सारी थ्योरीज हैं, कोई एक थ्योरी नहीं है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरी डिफाइन की है, तो जो पर जो हर एक थ्योरी है वो इन्हीं 3 टाइप्स में हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए, जो फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग है यानी शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत है, उनको हम किस टाइप में लेते हैं? ये 4 टाइप होते हैं इसके। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, द मॉल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग। यानी मितवई सिद्धांत, संचार या संचारी सिद्धांत, ढलाई या साचे में ढालने का सिद्धांत, आपसी पूछताछ का सिद्धांत। अब देखिए, ये जैसे नाम है ये हिंदी में है,
अगर हिंदी में क्या होते हैं कि बहुत सारे आपके सिनोनिम्स यूज होते हैं, तो अगर आपने कोई और नाम पढ़ा है या आपको लग रहा है कि वो ये नाम, जो भी नाम आपने पढ़ा वो इस जगह आ सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला जो नाम मैं पढ़ रही हूँ ये इसमें आता है कि नहीं आता है। तो आप इस तरीके से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। मितव्ययी सिद्धांत होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द टीचिंग प्रोसेस हेल्प्स टू रिकलेक्ट और अनफोल्ड द नॉलेज। जो ये देखिए, इस थ्योरी के अनुसार यानी इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो शिक्षा है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, अनफोल्ड द नॉलेज यानी कि नॉलेज को प्रकाशित करने में। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो बच्चे के अंदर जो नॉलेज है ना उसको निकालना, कि बच्चे को ज्ञान कितना है उसके बारे में उसको रिकलेक्ट कर रहे हैं हम, तो वो क्या है, इसके अंदर आता है। दिस इज डन थ्रू क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। और ये किसके द्वारा होता है, प्रश्न करने की तकनीक के द्वारा होता है, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के द्वारा होता है ये। द टीचर मेक्स हिज एफर्ट्स टू ब्रिंग हिज नॉलेज एट कॉन्शियस लेवल ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो टीचर है वो पूरा एफर्ट लगाती है कि जो बच्चे की जितने बच्चे के अंदर जितना भी ज्ञान है वो उसके सचेत स्तर पर आ सके, उसके कॉन्शियस लेवल पे आ सके। और वो किसके द्वारा होता है, वो क्वेश्चनिंग टेक्निक के द्वारा होता है। इसके बाद में क्या पॉइंट है, द फोकस ऑफ दिस थ्योरी इज ऑन सेल्फ रियलाइजेशन। जो इस थ्योरी का फोकस है यानी जो इस सिद्धांत का उद्देश्य है वो क्या है, कि सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, बच्चे को स्व एहसास हो सके कि उसको कितना ज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा, दिस थ्योरी इज एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरेडिटीज रोल इन टीचिंग प्रोसेस, यानी कि ये जो सिद्धांत है उसमें क्या है, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो मानते हैं कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें हेरिडिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि वंशागति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोक्रेटिक मेथड इज एन एसेंशियल फॉर दिस थ्योरी। जो इस देखिए इस थ्योरी के लिए जो सुकरात के तरीके हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल होते हैं, यानी कि जो सोक्रेटिक मेथड है वो इसको फॉलो करता है, किसको, म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग को। इसके बाद आता है हमारा द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे फिर रिपीट कर देती हूँ, द म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग को, कि क्या है ये क्या करती है, नॉलेज को अनफोल्ड करने में मदद करती है, ये क्वेश्चनिंग करने के तरीके से होता है यानी कि क्वेश्चनिंग टेक्निक के तरीके से होता है, और क्वेश्चनिंग टेक्निक से टीचर बच्चे के नॉलेज को कॉन्शियस लेवल पर लाती है, और इस थ्योरी का फोकस सेल्फ रियलाइजेशन पर होता है ताकि बच्चे के अंदर का ज्ञान बाहर आ सके। ये था हमारा म्यूटिक थ्योरी। अब इसके बाद देखिए द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, इसके अंदर क्या है, द टीचर पजेसेस ऑल नॉलेज, यानी कि इसमें क्या है, कम्युनिकेशन थ्योरी में टीचर जो है वो क्या है, उसको धारण करिए, हम ये मानते हैं कि टीचर को संपूर्ण ज्ञान है और वो ज्ञान वो बच्चों को देगी। सेकंड पॉइंट इज द स्टूडेंट्स डज नॉट पजेस दैट इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज टीचर को है वो बच्चों को नहीं है, वो नॉलेज जो भी जानकारी जो ज्ञान है वो बच्चों को नहीं है। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द टीचर प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन एंड परफॉर्मेंस इज द बेस्ट वे फॉर द स्टूडेंट टू लर्न दिस नॉलेज इन द क्लासरूम। यानी जो टीचर का प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है, एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है, स्पष्टीकरण जिसको बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ को करके दिखाने का तरीका होता है, एंड परफॉर्मेंस प्रदर्शन करने का जो तरीका होता है, उसके द्वारा क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है उस ज्ञान को क्लास कक्षा के अंदर। दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट द चाइल्ड इज लाइक अ क्लीन स्लेट, यानी कि इसका ये जो थ्योरी है किस पे बेस है, कि इस थ्योरी का मानना है कि जो एक बच्चा है वो क्लीन स्लेट है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम जो चाहें उस पे लिख सकते हैं, जो चाहे उसको ज्ञान हम दे सकते हैं। द टीचर कैन इम्प्रिंट अपॉन इट एनी थिंग थ्रू हिज मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो टीचर है उसमें कुछ भी इम्प्रिंट कर सकती है, कुछ भी लिख सकती है, किसके जरिए, मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जिस तरीके से जो उसका बात करने का तरीका है, बच्चे से कम्युनिकेशन करने का जो वे है उसके उस तरीके से वो उस क्लीन स्लेट पे कुछ भी लिख सकती है। तो ये था हमारा द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो देखिए जैसा कि आप देखें, मेरा ये जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है और बहुत जगह मैंने इंग्लिश हिंदी में वर्ड्स लिखे हुए हैं कि क्या मीनिंग है,
और लास्ट में मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी शेयर करती हूँ। तो ये जो कंटेंट है मेरा, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरीके के बच्चों के लिए है। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये तो कंटेंट इंग्लिश में, क्योंकि मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो दोनों ही लैंग्वेज में कर रही हूँ ताकि बच्चों को एक्सप्लेन अच्छे से हो पाए। तो देखिए नेक्स्ट आता है हमारा द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। अब देखिए मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग में क्या है। द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग वॉज एडवोकेटेड बाय जॉन डीवे। अब देखिए ये जो थ्योरी थी, ये जो सिद्धांत था, ये किसके द्वारा एडवोकेट किया गया, यानी कि किसने इसका सपोर्ट किया, जॉन डीवे ने किया। इट इज कन्फाइंड टू इम्पार्ट द नॉलेज टू द लर्नर्स। ये इसमें क्या है कि इसका, इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चा सीख सके, और जितना ज़्यादा वो सीखेगा उतना ही वो ज़्यादा, जितना वो उसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा वो सीखेगा, है ना। द थ्योरी फोकसेस ऑन द शेप फॉर्म एंड मोल्ड ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर। यानी कि जो थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है, वो करती है शेप फॉर्म एंड मोल्ड, यानी कि आकार देना, विधि क्या है पढ़ाने की, और मोल्ड किस तरीके से हम बच्चे को ढाल रहे हैं, किस तरीके से बच्चे के बिहेवियर को हम उसमें ढाल रहे हैं। द बेसिक असम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी रिगार्डिंग द ह्यूमन नेचर इज दैट द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड शेप्ड एंड मोल्डेड बाय देयर एनवायरनमेंट। यानी कि ये जो इस थ्योरी की जो मान्यता है, इस सिद्धांत की जो मान्यता है वो क्या है कि जो ह्यूमन नेचर है, जो इंसान की प्रकृति है, वो किस तरीके हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्म्ड कर सकते हैं, हम मोल्डेड कर सकते हैं, किसी भी साँचे में ढाल सकते हैं बाय देयर एनवायरनमेंट, उनके वातावरण के तरीके से। अब देखिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें उस तरीके का एनवायरनमेंट भी बच्चे को देना पड़ेगा। अगर बच्चा एक अच्छे एनवायरनमेंट में है तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, अगर बच्चा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में है तो एक वो नेगेटिव चीज़ें सीखेगा। तो ये था हमारा द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसके बाद में आता है हमारा द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। तो ये इसमें क्या है, देखिए आपसी पूछताछ का है ये, कि बच्चे जो है किस तरीके से सीखते हैं, आपसी पूछताछ से, आपस में इंक्वायरी करके सीखते हैं। तो देखिए क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट। दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ नॉलेज ऑफ इंक्वायरी। यानी कि अब ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, ये थ्योरी बेस्ड है नेचर ऑफ नॉलेज ऑफ इंक्वायरी, यानी कि किस तरीके से किसी चीज को पूछा जा रहा है, क्या उसकी ज्ञान है बच्चे को और क्या उसका ज्ञान नहीं, और वो किससे ज्ञान ले रहा है, ये सारी चीजें क्या है, ये इसी पे बेस्ड है ये थ्योरी। दिस थ्योरी अज्यूम्स, यानी कि इस थ्योरी का मानना है दैट ईच इंडिविजुअल हैज द कैपेसिटी टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। यानी कि हर एक बच्चे में ये क्षमता है कि वो नए ज्ञान को सीख सके, नए ज्ञान को खोज सके विद म्यूचुअल इंक्वायरी, यानी आपसी पूछताछ से। इट इम्प्लाइज दैट अ टीचर हैज़ अ मॉडल इन हिज माइंड टू यूज इन स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी कि इस थ्योरी क्या है, इस थ्योरी का मानना है कि जो एक टीचर है उसके पास एक मॉडल होता है, एक ना एक नमूना होता है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल होता है ना, तो क्या है उसके माइंड में एक मॉडल है इन हिज माइंड टू यूज इन स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी कि एक क्लास में क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग टीचर को क्या मॉडल यूज करना है ना, एंड स्टूडेंट्स हिमसेल्फ सेलेक्ट द मॉडल फॉर म्यूचुअल इंक्वायरी। और बच्चे खुद इस चीज को सिलेक्ट करते हैं कि वो किस तरीके के मॉडल के द्वारा अपना जानकारी लेना चाहते हैं, म्यूचुअल इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपसी पूछताछ वो करना चाहते हैं। दिस थ्योरी ऑफ टीचिंग इज क्लियरली एप्लीकेबल टू रिसर्च एंड आर्ट। अब देखिए इस तरीके की जो थ्योरी होती है, इस तरीके के जो सिद्धांत होते हैं शिक्षण के, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ पे लागू होते हैं, वो होते हैं रिसर्च एंड आर्ट पे, यानी अनुसंधान और कला। इस तरीके की जो थ्योरी रिसर्च होती हैं उसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंक्वायरी के द्वारा ही एक बच्चा अपनी थीसिस पूरी करता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ट्रू नॉलेज इज टू इंक्वायरी। यानी कि इस सिद्धांत का मानना है कि जो सच्ची ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है, वो होता है इंक्वायरी के द्वारा, यानी कि पूछताछ के द्वारा। अब देखिए इसके बाद में ये आप भी मैंने आपके लोगों के साथ में फोर टाइप्स शेयर किए हैं ये फॉर्मल थ्योरी के,
फोर टाइप्स में कोई क्या क्या मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग आप लोगों के साथ में शेयर किया है, द मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, इसके बाद में तो म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, ये चार टाइप्स हैं, ये फॉर्मल थ्योरीज के हैं, ये फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग के। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की बात कर लेते हैं हम, क्या क्या है, और ये डिफिकल्ट वर्ड्स इसी कंटेंट में से होते हैं और ये स्पेशली सभी बच्चों के लिए हैं और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हैं, ताकि उनको ये वर्ड्स के मीनिंग पता चल सकें और उसको अच्छे से तैयार कर पाएं। तो क्या है, फर्स्ट फर्स्ट है हमारा सर्टेन लॉजिक यानी कि निश्चित तर्क, सेकंड है पजेसिस, पजेसिस यानी धारण करना, युक्त होना, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, नमूना, कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमाबद्ध या सीमित। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन मतलब विशिष्ट स्थिति। नेक्स्ट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब लागू, उपयुक्त एंड प्रयोज्य। तो ये देखिए तीन मीनिंग होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आपका सेंटेंस है और कहाँ पे ये क्या एप्लीकेबल हो रहा है, यानी क्या लागू हो रहा है। देखिए इसमें भी लागू हो गया। मॉडल, मॉडल मतलब नमूना, म्यूचुअल इंक्वायरी, म्यूचुअल इंक्वायरी मतलब आपसे पूछताछ, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स खोज, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण, अजम्पशंस, अजम्पशंस का मतलब होता है मान्यता, मोल्ड, मोल्ड मीन्स ढालना, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है वंशागति या आनुवंशिकता, सोक्रेटिक, सोक्रेटिस मेथड यानी सुकरात के तरीके, अनफोल्ड, अनफोल्ड मतलब प्रकट करना या प्रकाशित करना या फिर खोलना। तो ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स इसके फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग के। आप लोग इन लोग इस इन सब की तैयारी कीजिए और इसके जो बाकी के दो टाइप्स हैं मैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग और नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जल्द ही। और इससे से पहले जो मैंने मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग आप लोगों के साथ में शेयर किया, नीड ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग आप लोगों के साथ में शेयर किया, तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप उसको भी पढ़ सकें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल, वो मेरे चैनल पर जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है बच्चों के लिए, जो बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं बच्चे, बीएड सेकंड ईयर के बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो बच्चे सीडीपी साइकोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सीटेट के बच्चों के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इस तरीके से आप जब आप चैनल पे जाते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो जो भी कंटेंट आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। एमएड के बच्चों के लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जो बच्चे एमएड कर रहे हैं, बीएड के बच्चों के लिए सी टैट, टैट, यूपी टैट, तो इस तरीके जितने भी बच्चे जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए बहुत यूज़फुल है ये चैनल। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।